उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो हमारी लेयर्स कमांड। ये लेयर्स कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो मैं पहले ना एक तुमको ना फाइल ओपन करके दिखा, ठीक है? सभी फाइल ओपन करके दिखा आपको। कंट्रोल ओ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं जो हमने सेव की है। थोड़ा एक बार एक पीछे जाऊंगा फ्लोर प्लान में। चलो फ्लोर प्लान यहाँ से थ्री डी आने वाला, ओके। शो रहा सभी को फ्लोर प्लान जो मैंने मतलब बनाया था मैंने, ये सभी को शो हो रहा ना? क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्क स्पेस का साइज बढ़ा उसे मिनिमाइज करके, जो रिबन एरिया कर दिया मैंने मिनिमाइज। अभी देखो थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हुआ। अब देखो इस जो लेयर्स का मीनिंग होता है, लेयर्स का मीनिंग होता है जैसे कि अगर मैं वर्क कर रहा हूँ बहुत बड़ी शीट में, तो क्या होता है, मैं अगर मैं सिंपली लाइन सर्किल कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लू, जो उसकी लाइंस का कलर होगा वो क्या होगा, सिंपली व्हाइट कलर होगा। तुमने देखा होगा मतलब जी अभी तक जो भी ड्रॉइंग्स हमने बनाई उनका व्हाइट ही कलर होगा, सिंपली क्या होगा, व्हाइट कलर। अगर मुझे क्या करना है, जैसे कि जो बाउंड्री लाइन होती है किसी भी, अगर हम जैसे कि फ्लोर प्लान बना रहे हैं किसी बिल्डिंग का, फेस वाला प्लान बना रहे हैं, तो उसमें जो मेन लाइंस होती है, जो वॉल्स होती है, उनको शो करते हैं हम ग्रीन कलर से। मतलब कलर तो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पर मोस्टली जो यूज होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है? और उसकी थोड़ी सी जो वेट होता है, लाइन वेट मतलब उसकी थोड़ी सी मोटाई थिकनेस, उसको भी इंक्रीज कर देते, जिससे वो अलग अलग से ही शो होती है कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है? दूसरी यहाँ ये गेट्स है, देखो ये ब्लू कलर में शो हो रहे हो कि गेट्स है D1 और D2। ये डोर वन है, डोर वन, D1 का मतलब है दोनों का साइज सेम है, ये D1 लिख रखा है। देखो जैसे कि यहाँ D2 लिख रहा, ये D2, ये वॉशरूम है, बाथिंग रूम है, तो इन दोनों का क्या है, D2 लिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये दोनों सेम है गेट दोनों का जो साइज। और जो नेक्स्ट आते हैं फिर, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या जैसे कि यूज करे इसका ब्लू कलर है, और जैसे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लिंथ, प्लिंथ होती है, प्लिंथ प्लिंथ वो बोलते हैं ना उसको, छोटा सा वो छज्जा सा होता है, सुना ना, छज्जा सा मतलब थोड़ा सा बिल्डिंग का छज्जा सा होता है, उसको प्लिंथ बोलते हैं। उसको ना ऐसे शो करते हैं, जो सेक्शन लाइन से शो करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो W लिखा होगा, देखो ये W शो हो रहा है ना सभी को, W इसका मतलब है विंडो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंडो है और विंडो के ऊपर ये छज्जा है, ये इतना 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 इसके ऊपर क्या है, छज्जा सा। तो अब ये तो है नहीं कि हाँ हम पूरा हमने फ्लोर प्लान सिर्फ एक ही कलर में बना दिया, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी लाइन्स हम लेंगे, जो भी हम डोर वोर बनाएंगे, उनका कलर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इसी का यूज होता है लेयर प्रॉपर्टीज का, और उनको हम क्या बोलते हैं, लेयर्स। अब मैं दोबारा से नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम सेपर से, तो इस फाइल को कर देता हूँ और अपनी पुरानी वाली फाइल में जाते हैं, ठीक है? आगे थोड़ा रिबन एरिया को मैक्सिमाइज कर देता हूँ, मैक्सिमाइज। अब ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल, बनाया मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इनसाइड बनाता हूँ सर्किल, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसको ना ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। देखो सेंटर पॉइंट और ज्योमेट्रिक पॉइंट दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सेंटर पॉइंट होगा तो वो सिंपली प्लस का निशान शो होगा, अगर वो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना तो प्लस भी होगा और उसके अंदर एक क्रॉस साइन भी शो होगा, ठीक है, मतलब दोनों शो हो गए, तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर है। अब मैं एक सर्किल ड्रॉ करना है तो एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और जैसे दोबारा से एक सर्किल चाहिए तो मैं एक सर्किल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी रेडियस दे देता हूँ मैं कितनी, 50, चलो 50 दे देता हूँ, 50 होगी। देखो अब मैंने सर्किल यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो अब मुझे दोबारा से दूसरी कमांड की जरूरत नहीं है, मतलब दोबारा से इस सर्किल कमांड को एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, उसको करता हूँ सेलेक्ट। अब मुझे यूज करनी है मिरर कमांड। मिरर क्या होता है, किसी भी एक्सिस के रिफ्रेंस मानकर उसी की दूसरी साइड एक कॉपी क्रिएट कर देता है। जैसे कि अब मैं रिफरेंस लूंगा इसका मिड पॉइंट, क्योंकि मुझे इस कॉर्नर पे सर्किल चाहिए। जैसे मैं मिड पॉइंट लूंगा इसका रेक्टेंगल का और यहाँ से करूंगा सेलेक्ट, देखो दूसरी साइड बिल्कुल सेम पॉइंट पर एक ऐसे क्या हो जाएगा, सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब दोबारा से मुझे सर्किल कमांड की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मुझे मिरर कमांड की जरूरत है, दोनों
सर्किल को करना है सिलेक्ट, फिर एक्टिवेट करना है मिरर कमांड, और उसके बाद लेना है मुझे क्या सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस को एक बार रिफरेंस के लिए दे देना है, और उसके दूसरी साइड पे क्या होता है देखो सर्किल हो गए ड्रो। चलो एक सर्किल से मैंने चार सर्किल ड्रो कर दिया और बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अब फिर मैंने एक ट्रिम कमांड बताई थी, ट्रिम कमांड बताएगा कोई क्या यूज होता है ट्रिम कमांड का, बताओ जल्दी बताओ बॉय। रेस, एक तरह से रेस कर सकते जो वो अननेसेसरी पार्ट होते हैं। हाँ हाँ वही वही ठीक है, अननेसेसरी पार्ट देखो जो उसमें मिड में है ये लाइक जो ये है अननेसेसरी पार्ट, या तो अंदर का या फिर बाहर का, जैसे अंदर का पार्ट चाहिए तो बाहर का क्या होगा अननेसेसरी होगा, अगर बाहर का चाहिए तो अंदर वाला अननेसेसरी होगा, तो मैं अंदर वाला पार्ट कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो क्या हुआ एक मतलब एक सिंपल सी ड्रॉइंग बन गई, तो कुछ भी मान सकते हैं, मैं तो फर्जी सी बना दिया है, तो प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा तो बनाते रहना। चलो फिर उसके बाद देखो अब क्या है, जैसे कि मुझे ये सर्किल है इसका मुझे क्या करना है कलर चेंज करना है, और कुछ कलर चाहिए इसका, तो मैं चाहूंगा लेयर प्रॉपर्टीज में, लेयर प्रॉपर्टीज को करूंगा एक्टिवेट, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। और आ सभी को यहाँ पॉपअप मेन्यू शो हुआ है, अरे ये वाला ठीक है, इस पॉपअप मेन्यू से क्या होगा, इस पॉपअप मेन्यू से ये होगा, ठीक तो हमने क्या कर दिया, मैं ऐड कर दिया ऐड एंड कर दिया, ठीक है। अब करना है देखो यहाँ पे ना एक शो हो रहा होगा तीन लेयर से, जहाँ पे मेरा कर्सर है शो हो रहा ना, हो रहा शो हो रहा सभी को, ठीक है। इस पर करना है एक बार क्लिक, जैसे क्लिक करोगे तो एक नई लेयर ओपन हो जाएगी, उसका नाम होगा लेयर वन, इसका मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक इसको दे सकता हूँ मैं सर्कल, ठीक है, क्योंकि मुझे सर्कल का चेंज करना है तो मैं इसका नाम सर्कल ही दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा एक बल्ब टाइप से शो हो रहा होगा, बल्ब टाइप से शो हो रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होगा इसको फ्रीज भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ, पेंट जो भी। इसके बाद है इसका मैं कलर, इसका मुझे कलर स्पेसिफाई करना है, इसका कलर कैसा हो रहा है, मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है ब्लू कलर दिया। उसके बाद इसके बाद लिख रहा होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लाइन मतलब जैसे व्हाइट हम ड्रॉ रहे ड्रॉ कर रहे हैं अभी तक ड्रॉइंग में, वो क्या है मैं कंटिन्यूअस लाइन है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक कंटिन्यूअस उसका लाइन वेट चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि कितनी मोटी लाइन होगी, लाइक मैं सबसे लास्ट वाला ले लेता हूँ, ये वाला थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, लाइन वेट इतना 0.80 मैम, ओके कर दिया। कंटिन्यूअस लाइन टाइप कैसा होना है, कंटिन्यूअस अभी तो देखो कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ हो रही थी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से लोड करूंगा बहुत सारी लाइंस, देखो जितनी भी हमने लाइंस पढ़ी है ना अभी तक ड्राइंग में जो हम बना रहे थे वे सारी होगी, देखो डैश लाइन डैश स्पेस लॉन्ग डैश जैसी भी डॉटेड लाइन ये जैसी भी है बॉर्डर लाइन सेंटर लाइन डैश लाइन डिवाइड लाइन जॉग लाइन मतलब हिडन लाइन मतलब सारी लाइन्स यहाँ पे पड़ जाएंगे। इसके अंदर जैसे कि मुझे चाहिए कौन सी ये वाली चाहिए डैश लाइन, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और कर दूंगा ओके, और फिर यहाँ से इस पर करके जो मैंने लाइन मतलब इंपोर्ट की है मतलब एक तरफ लोड की उस पर सिलेक्ट करते ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर वही लाइन क्या हो जाएगी एंटर हो जाएगी, ठीक है वो पूरा ही वहाँ पर। अरे यार मुझे और करना था और कहीं पर मैंने और कहीं सिलेक्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं बाद में करके बताता हूँ, क्योंकि ब्लू वाली थी मुझे इसमें करना था, वो मैंने ऊपर वाले में जीरो वाली लेयर थी ना उसमें सेलेक्ट कर दिया। चलो फिर करते हैं स्टार्ट, तो फिर देखो जो मैंने जो न्यू वाली लेयर बनाई थी सर्किल लेयर, अब मुझे वो क्या करनी है उसके अंदर मुझे टेस्ट लाइन चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा ओके उसको लोड करके लाइन को ओके कर दिया, ठीक है। अभी जिसके सामने राइट का निशान होगा ना ये वाला, अभी वो लेयर एक्टिवेट है, अभी जो मैं लाइन दूसरी बना रहा हूँ जैसे कि ये वाली है इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, जो लेयर इसका कलर ले लेंगे हम कौन सा ग्रीन कलर ले लिया इसका और ओके कर देंगे। लाइन टाइप इसका कंटिन्यूस ही रखेंगे हम और थोड़ा सा इसका जो है डिक्रीज कर देंगे, ठीक है चलो इतना ठीक है। अभी मैंने क्या किया दो लेयर्स बनाए, देखो यहाँ से मैंने दो लेयर्स बनाई हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला ड्रोन, अभी जो लेयर एक्टिव है वो व्हाइट वाली एक्टिव है, ये वाली जीरो लेयर एक्टिव है, उसका कलर क्या है व्हाइट, क्योंकि जीरो लेयर वो डिफॉल्ट एक्टिव रहती है, तो क्या किया मैंने उसमें जो लाइन टाइप जो सिलेक्ट कर लिया था वो डैश सिलेक्ट कर लिया सर, इसी वजह से जो रेक्टेंगल जो जितना भी ऑब्जेक्ट है पूरा वो डैश शो हो रहा, ठीक है।
अगर मैं ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली उसको क्या करता हूँ एक्टिवेट, अब मैंने क्या किया ब्लू वाली एक्टिवेट, और मैं पूरे ऑब्जेक्ट को करता हूँ सिलेक्ट, मैंने पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं क्योंकि तो ब्लू वाली थी सर्किल के लिए, मैं क्या करूंगा सिर्फ सर्किल सर्किल को क्या करूंगा सिलेक्ट करूंगा, सर्किल सर्किल को सिलेक्ट करके फिर क्या करना है मुझे दोबारा से लेयर कमांड्स पे जाना और वहां से सर्किल वाली को क्या कर देना है सर्किल वाली पर लाकर कर देना है क्लिक, तो क्या होगा जितने भी सर्किल्स होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा और जो लाइन टाइप सेव किया था मैंने वो भी डैश हो जाएगी, देखो डैश लाइन शो हो रही है, डैश है ना डैश डैश शो हो रहा है ठीक है डैश लाइन। अब मुझे क्या है जो मेरा रेक्टेंगल है उसका मुझे देना था ग्रीन, ग्रीन कलर देना था ठीक है ग्रीन कलर फिल कर, अब मैं करूंगा रेक्टेंगल को सिलेक्ट फिर लेयर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ से रेक्टेंगल करूंगा सिलेक्ट, तो रेक्टेंगल का कलर क्या हो गया थोड़ा सा ग्रीन, मतलब जो मैंने स्पेसिफाई किया था वो उसका हो गया कलर ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं लेयर्स का यूज करते हैं। इसके अंदर जो तीन ऑप्शन है मैंने पहले ही बताए थे, सबसे पहला होता है किसी लेयर को ऑन ऑफ करना ठीक है, जैसे ग्रीन वाली है अगर मैं देखो ग्रीन वाली लेयर है ना इसके सामने बल्ब का एक शो हो रहा होगा आइकन सा, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ देखो जो ग्रीन वाली लेयर थी वो ऑफ हो गई, मतलब जो भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा ना वो हाइड हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करता हूँ ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज का, फ्रीज का मतलब है उसको ऑन ऑफ करना या फिर मतलब फ्रीज में एक ऑप्शन और होता है मतलब फिर हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, सेम ऑप्शन होता है लॉक के लिए, अगर मैंने लॉक कर दिया उसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, जैसे ग्रीन को मैंने लॉक किया और अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता चाहे कुछ भी करे, सो एडिट कर ही नहीं सकता, मैं डिलीट कर सकता ना क्या कर सकता कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है दोबारा से उस पर जाना है उसको अनलॉक कर देना ठीक है, अब वो शो रही दोबारा से, क्या कर सकता हूँ मैं ब्लू वाली का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ दोबारा से दूसरा कलर ले सकता हूँ, हाँ वही वही जैसे कि मैं विजिबिलिटी चेंज कर रहा हूँ उसको, जैसे कि मैं उसका ले लेता हूँ रेड कलर, तो क्या हुआ जैसे मैंने उसका सर्किल वाली का कलर चेंज किया तो क्या होगा रेड रिफ्लेक्ट होगा जितनी भी जगह वो लेयर यूज होगी ना, अगर मैं इसी लेयर में आकर यहीं पर अगर उस कलर को चेंज कर दूंगा तो वो सारी जगह रिफ्लेक्ट होगा जहां जहां मैंने उस लेयर को यूज किया है ठीक है। तो ये है लेयर का ऑप्शन, इसके अंदर और सारे ऑप्शन है जैसे कि फर्स्ट वाला है ऑफ, अगर मैं ऑफ कर दूंगा जो जितनी भी लेयर है ना वो सारी ऑफ हो जाए ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जितनी भी मैं लेयर सिलेक्ट करूंगा देखो मैं सारी ऑफ हो ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं क्या करूं। दूसरा ऑप्शन है आइसोलेट वाला, आइसोलेट मतलब आइसोलेट करना लेयर्स को आइसोलेट करना, फिर नेक्स्ट वाला है फ्रीज ऑल मतलब सारी चीज जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा सारी फ्रीज हो जाएगी, नेक्स्ट है लॉक वाला मेक करंट लेयर, मेक करंट मतलब अगर जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मेक करंट को क्या करूंगा सिलेक्ट तो जो लेयर है जो उसमें फॉर्मेटिंग है वो लेयर हो जाएगी, मैच लेयर करना हो देखो मैच लेयर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है देखो मैं बता रहा, जैसे कि सर्किल मैंने दूसरा सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया है ठीक है, और मुझे इसमें ग्रीन जो ये इस रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है मुझे इसमें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मैच लेयर पर जाऊंगा उसके बाद मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी चाहिए सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट करूंगा फिर करूंगा एंटर, अब जैसी प्रॉपर्टी मुझे जिस ऑब्जेक्ट में चाहिए फिर उसको सिलेक्ट करना है और फिर करना है, या तो उल्टा हो गया यार, उल्टा कैसे हो गया चलो कोई बात नहीं दोबारा से सुन लेते हैं, अरे बताओ यार और भी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, फिर ऑन ऑफ टर्न ऑल लेयर्स ऑन या फिर ऑफ करनी हो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं जो भी कमांड है, तो लेयर कमांड में सिर्फ इतना ही था कलर चेंज करना मतलब विजिबल करना अलग अलग ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह ताकि हम उसको अच्छी तरह देख सकते ठीक है। फिर आज मैंने टेबल बताई लेयर्स कमांड बता दी, इसके अंदर और भी है लाइक अगर मैं इसके अंदर लेयर्स के अंदर जाऊं इसके उस पैनल को ओपन करूं तो अनसेव लेयर और सारे ऑप्शंस हैं उसको बाद में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी अभी तक 50 सेट हुई हुई अगर मैं और कम करता हूं तो कम हो जाएगी, ज़्यादा करता हूं तो ज़्यादा हो जाएगी, मोस्टली 50 रहती है इसको 50 ही रहने दिया जाए 50।